स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.2। इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एंड देन शो दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी। फिगर गिवन है, ये दो लाइन है ए बी एंड सी डी, और इसको हम ले लेते हैं पी क्यू। पी क्यू एक ट्रांसवर्सल है, ठीक है। तो सबसे पहले ये दोनों एंगल, दिस वन, दिस एंगल एंड दिस एंगल, ये देखो ये कैसे बने हुए हैं। ये एक लाइन जा रही है और ये एक उस पर दूसरी लाइन जा रही है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, लीनियर पेयर हो जाएंगे ना। ये 50 दिया हुआ है और ये x दिया हुआ है, तो इन दोनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा, तो उसी से बस हमारी x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो x प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180, क्या प्रॉपर्टी लग जाएगी यहां पर, लीनियर पेयर, ठीक है। ये लगी हमारी लीनियर पेयर, इससे हमारी x की वैल्यू आ जाएगी, देन x इज इक्वल टू 180 माइनस 50, दैट इज इक्वल टू 130 डिग्री। ये आ गई हमारा एक वैल्यू x की, राइट। अब देखो यहां पर ये जो है, ये वाला एंगल, दिस एंगल एंड दिस एंगल, ये दो लाइन है, सी डी एंड पी क्यू दो लाइन्स है, ठीक है। जब ये इंटरसेक्ट करी है तो ये दोनों एंगल कैसे हो जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। ये कैसे हो जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, तो नाउ सी डी एंड पी क्यू इंटरसेक्ट ईच अदर, देयरफोर y इज इक्वल टू 130 डिग्री, क्या आ गया ये, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये हमारी y की वैल्यू आ गई, ये सेकेंड इक्वेशन आ गई, राइट। अब देखो x की वैल्यू और y की वैल्यू आपस में इक्वल आ गई, तो फ्रॉम 1 एंड 2 x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 130 डिग्री, ठीक है। दोनों इक्वल आ गए आपस में, तो अब देखो ये भी 130 डिग्री आ गया और ये भी 130 डिग्री आ गया, मतलब x की वैल्यू क्या आ गई, 130 डिग्री, और यहाँ पे y की वैल्यू भी 130 डिग्री आ गई। अब अगर हम देखें कि ये ए बी और सी डी दो लाइन है, ये एक ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों एंगल आपस में कौन से एंगल्स हो रहे हैं, दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमें पता है कि इक्वल होते हैं, जब ये इक्वल आ गए तो हम कन्वर्स लगा देंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की, इस उसकी वजह से ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ठीक है, उसकी वजह से ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो हम यहां लिख देंगे बट दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स therefore AB is parallel to CD, यार यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। और देखो इसका एक और भी मेथड हो सकता है, अभी तो मैंने alternate interior angle लगाया, x is equal to y किया, तुम x is equal to ये directly this angle is equal to ये वाला angle, इसको हम कोई भी naming कर दें, like इसको हम लिख देते हैं angle 1, ठीक है। अगर हम इसको एंगल 1 लिख देते हैं तो x और 1 जो है ये आपस में कौन से एंगल्स हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, और कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं, क्योंकि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि बट दे आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, दे आर फोर दिस इज पैरेलल टू दिस। किसी भी मैथड से कर सकते हो, लाइन्स एंगल्स ऐसा चैप्टर, इसमें बहुत सारे मैथड लगते हैं, जिससे ईजी लगे, जिससे शॉर्ट हो जाए, उससे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए, ठीक है।